नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 राज्यों का चुनाव निपट गया है, लेकिन अभी भी रहकर इसकी धमक सुनाई देती है और इसका क्या होगा आगे, इसको लेकर क्या गुणा भाग होगा, वो भी लगातार चल रहा है। तभी तो दिल्ली को चैलेंज करने वाले शिवराज आखिर जेपी नड्डा से मुलाकात क्यों कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शिवराज नड्डा से अहम बैठक कर रहे हैं और शिवराज को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का ऑफर दिया जा सकता है। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा और फिर बंपर जीत हासिल की, और जैसा सभी सोच रहे थे कि शिवराज को नहीं बनाया जाएगा सीएम, वही हुआ। और मोदी शाह ने अपने सबसे खास मोहन यादव को उज्जैन दक्षिण से जो चुनाव जीते थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मोदी शाह को मध्य प्रदेश से शिवराज ने एक कड़ा संदेश भेजा, जिसका असर इतना हुआ कि सभी चौंक गए। पहले शिवराज ने क्या संदेश दिया जिससे डरकर मोदी शाह आनन फानन में एक्शन लेने पर मजबूर हो गए और शिवराज को बुलाकर एक बड़ा पद ऑफर कर दिया। पहले वो बात सुनाते हैं जिसमें शिवराज ने मोदी शाह को धमकी दी थी, जिससे मोदी शाह डर गए कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सुन लिया आपने कैसे सीना तान कर शिवराज ने मोदी शाह की जोड़ी को चैलेंज कर दिया, और मोदी शाह को लगा कि अब कुछ करना होगा, नहीं तो हमारी रणनीति 2024 के लिए बनाई है उस पर पानी फिर जाएगा। फिर क्या था, आनन फानन में मोदी शाह ने संदेश भिजवाया। अब यानी कि 12 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान ने मोदी शाह की जोड़ी को चैलेंज किया था, और आज 19 तारीख को शिवराज को दिल्ली बुला लिया गया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो उन्होंने मुलाकात भी की। मुलाकात को लेकर मूड बदले हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ कहा सुनिए। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो आ जा रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी अभी कुछ डिसाइड नहीं। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। एक कहावत है, जहां आग लगी होती है वहीं से धुआं उठता है, और ये कहावत शिवराज सिंह चौहान पर पूरी तरह से लागू होती है। पहले शिवराज ने एक हफ्ता पहले धमकी दी थी, फिर सूत्रों की माने तो 17 दिसंबर को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जिसमें शिवराज सिंह चौहान नहीं पहुंचे। फिर क्या था, मोदी शाह और दिल्ली के सभी बड़े नेता ये जान गए कि आग बहुत बड़ी है, और अगर इसको अनदेखा किया गया तो 2024 का जो सपना है वो मिट्टी में मिल सकता है। इसी को लेकर दिल्ली सक्रिय हुई और समझौता करने के लिए और गम को कम करने के लिए शिवराज को दिल्ली जेपी नड्डा ने तलब कर लिया, और कहा जा रहा है कि दिल्ली में शिवराज और जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि मुलाकात के बाद जेपी नड्डा शिवराज को कुछ बड़ा ऑफर कर सकते हैं। आपको अपने कुछ दिनों पहले तर्कों के आधार पर बताया था कि जिस तरह उमा भारती, रमन सिंह, रघुबर दास, येदुरप्पा, निशंक, कोश्यारी को बड़े पद मिले, हो सकता है शिवराज के गम को कम करने के लिए उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए, और लग रहा है कि ये बात सच साबित हो सकती है। फिलहाल तो रणनीति नफा नुकसान को देखकर समझौता करने की है, ऐसे में अब शिवराज को बीजेपी मना पाती है या फिर नहीं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। लेकिन शिवराज की धमकी काम आई है और केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली तलब कर लिया है, ये उनकी बड़ी कामयाबी हो सकती है। हम वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जिसका असर मोदी शाह पर देखने को मिला और जिसके बाद शिवराज सिंह को दिल्ली बुला लिया गया। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या?
एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वो तो जब से हो सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं। हेमंत जी, हेमंत जी, काल्पनिक सवाल है। श्रुति, श्रुति, देखिए ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए ये बढ़िया घट, मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता सिवाय अरे मैं नहीं बना रूँ गाऊँ, बड़ा अन्याय हो गया, काय का अन्याय हो गया। अरे मैं आज कह रहा हूँ साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है, ये सोच क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। व्यस्त तो रहूंगा, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा, अभी लोगों से मिल जो रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा, फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीज़ें की जा सकती है अनेकों काम करने की। ये तो धमकाने वाला बयान था, अब ऑफर वाली बात भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं, देखो जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो आ जा रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा।